लिसी हट रे ऐसे जो ना सिलसा साइड से कुछ नहीं होता वो एंड गाइस वेलकम बैक टू द ब्लॉग इट्स 7 इन द मॉर्निंग और हम लोग जा रहे हैं बाजार करने हां ये फिर क्या हुआ छोटे छोटे गाड़ी हैं क्यूट क्यूट से ये सब नया मॉडल ये वाले जो हम लोग आए हैं एटीएम तो इतनी गर्मी में इतना पसीना बहाने के बाद फाइनली हम लोग बाज़ार करके आ गए हैं। तनवीर अभी बेड ठीक कर रहे हैं, हम लोग बिना बेड ठीक के भागे थे कि पहले बाज़ार कर लेते वरना भीड़ हो जाएगा क्योंकि बस 7 से 10 ही है और उसमें भी अभी तो जस्ट 8 ही बजे फिर भी इतने लोग एक के ऊपर एक चढ़ रहे थे। अंडा दुकान में तो मेरा एक आदमी से झगड़ा ही हो गया, एकदम साइड में आकर खड़ा हो गया। तो मैंने बोला अंकल थोड़ा साइड हो लो, ये बोलते पूरे बाज़ार में ही भीड़ है कहाँ भागोगे कुछ भी। तो एनीवे हमने सारा बाजार कर लिया, काफ़ी सारे नॉन वेज स्टॉक कर लिया है, वेजीज ले लिया है ताकि बार बार जाना ना पड़े। सो अभी इनको कहाँ गए, हाँ उनको मुझे धोना है साफ़ करना है तो थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो मेरा ब्रेकफास्ट डन, रणवीर अभी नहा के आया है, अभी जा रहा है कपड़े धूप में डालने के लिए क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है बिकॉज आई ऑलरेडी डिड माई स्किन केयर और मुझे गलाना नहीं है उसको धूप में और मैंने सारे पर्दे लगा के रखे हैं। द रीज़न इज़ काफ़ी ज़्यादा हीट आ रहा है अंदर तो फैन का हवा भी गर्म हो जा रहा है और सारे सब्जियाँ यहाँ सूख रहे हैं। तो आज हमने जो बाज़ार किया है तो सब्जियाँ सूखेगा उसके बाद मैं फ्रिज में डालूंगी और मैं दिखाती हूँ हमारा नया फ्रिज स्टॉक होने के बाद कैसा लगता है, मतलब सामान स्टॉक होने के बाद, पहले तो खाली था। सो आप लोगों को हमारा फ्रिज कैसा लगा वो भी बताना ज़रूर है। हाँ मेरे को गर्मी लग रहा है, वैसे ब्रेकफास्ट में मैंने इडली खाया और रणवीर भी इडली खाएगा और लंच में अभी बनाऊंगी नहीं, अभी 10 बज रहा है जस्ट, तो लंच बनाऊंगी वही 11:30-12 क्योंकि रणवीर आएगा 3:30-4 बजे तो आराम से बनाऊंगी। उस तब तक मैं रीडिंग करूंगी, मम्मी से बात करूंगी, थोड़ा रिलैक्स करूंगी क्योंकि मैं सुबह से लगी हुई हूँ। मैच बन रहा है, थोड़ा सा भिंडी फ्राई होगा एंड फिश करी का ग्रेवी रेडी हो गया है, मुझे बस इनको उनमें डालना है एंड राइस रेडी हो गया। तो बस फिश करी एंड भिंडी फ्राई एंड राइस। किचन में आते ही मेरा हालत ऐसा हो जाता है पसीना से, मतलब नहाने धोने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर मुझे नहाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। फिर रणवीर को तो घमोरिया भी हो गया है, मुझे फिलहाल हुआ नहीं क्योंकि मैं 2-3 बार नहा लेती हूँ। तो ठीक है अभी लंच करेंगे, मेरे को भूख लग रहा है, लग रहा है बेचारा लूसी। कोई बात नहीं लूसी, कोई बात नहीं, आपने खाना खा लिया ना जो मैंने खिलाया। कपड़ा उठाने आए थे, देखिए बेचारा बैठा हुआ है कैसे गड्ढा खोद के, उसको गर्मी लग रहा है। बाबा बसो बसो, डोंट बी स्केयर्ड, हम आपको नहीं भगा रहे, हम तो बस ब्लॉग बनाने आए थे। कुत्तों ने फिर यहाँ गंद फैला दिया, ये काम तुम्हारा है लूसी, ये काम तुमने किया है। लूसी खुश हो रही है ये बताने की कोशिश करी कि रणवीर आ गया। रणवीर क्या लाया मेरे लिए, छी वनीला बटर स्कॉच नहीं था, बटर स्कॉच नहीं मिला, कोई ना हम यही खा लेंगे, इससे काम चला लोगे। हाँ काम चला, लूसी आपको देख कर खुश है। हाँ गर्मी में सुनो कौन सा गड्ढे में काला वाला, वो गड्ढा का जो घुस के लेटा हुआ है, सुनो मट्टी खोल के ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। मैं फिर ये इसके पहले आइसक्रीम में रख देती हूँ। लंच तो मेरा काफ़ी पहले हो चुका था, रणवीर का भी हो गया है, रणवीर जब लंच कर रहा था तो मैंने अपना पार्ट का आइसक्रीम खा लिया, अभी रणवीर अपना आइसक्रीम तोड़ रहा है तो अभी टेस्टी हम भी खाएंगे उसमें से। आहा मेरा भी है, आहा मत करो। तो आप कल खा चुके थे, आज नहीं मिलेगा आपको। तो अभी हम लोग थोड़ा सा सोएंगे, अगर नींद आए तो पानी आ गया मेरे, खा लो सारा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा सोएंगे फिर शाम को मिलती हूँ। गर्मी से परेशान और पैरों के दर्द से परेशान होकर कहाँ बैठी है ज्योति देख लीजिए। जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, मेरे से खड़े नहीं हुए जा रहा है और रणवीर को रोटी बेलना नहीं आता है तो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। अच्छा तो आप इसका मतलब ऊपर उठ के रोटियां बेलोगी, तो देख लो क्या प्यार से रोटियां बेलनी। वाह वाह वाह।
और मैं यहाँ रोटियाँ सेक रहा हूँ। तो अच्छी बात है, मैं भी कल से यही करूँगा, ऊपर बैठ जाऊँगा और खाना बना लेना और खाना बनाऊँगा। मैं यहाँ चढ़ जाऊँगा, यहाँ पर पैर रख लूँगा इस जगह पे, उसके बाद रोटी बनाऊँगा। मिस्टर रणबीर ने पता नहीं कितने साल बाद पंच हुआ है, बड़े अच्छा बना लिया है। 8 से 9 साल बाद हाथों में पेन लिया है। मेरा पैर दुख रहा है, कमर दुख रहा है, इसलिए मैंने उसको बोला मेरे लिए चाट बना देने के लिए। कितना ध्यान से कर रहा है, स्ट्रेट बैठा हुआ है। चाट आलू चाट। अच्छा कपड़े की नहीं बनती, क्या है? गमछा पहनता है कपड़े, बताओ। गमछा, बनियान, यही तो जिंदगी मर्द लोगों की। लग रहा है गमछा मैन विद पेन एंड पेपर होता है। प्रैंक का नतीजा, फोन घुस गया इसके नीचे, पता नहीं किससे मांग के लाया था। बाय द वे हमारा पुराना वाला फ्रिज है, नया वाला वहाँ है। निकालो, निकला। हाँ, निकल। जा, दो टुकड़े हो गए। सुनो, बैटरी भी है, सही फोन है क्या? हाँ? सही फोन है। हाँ, अब तो मजाक क्यों करते हो? फोन का हाल देखो क्या क्या इसने इतना मेहनत से फोन जुगाड़ दिया। आईफोन बोल के ये चिपका होगा तो हम वही करेंगे। जा सुनो, कहाँ ये टूट? नहीं नहीं, ये गया हुआ था पहले से था तो। हाँ। काम तो नहीं करता ना, फिर ठीक है। नहीं, सिम कार्ड है ना इसमें, ये काम करता है। किसका उठा कर लाए थे? हाँ, किसी का। तो ये हाल कर दिया आईफोन, मतलब गिफ्ट करो भी तो दिक्कत, ना करो तो दिक्कत। ऐसा गिफ्ट करेगा तो हम यही हाल करेंगे, आपका भी यही हाल करेंगे। दो टुकड़ा गिफ्ट मत करना भाई किसी को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।